गाइस, स्वागत है आपका टेक की बातों में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं JBL के C100 True Wireless हेडसेट्स के बारे में। इनको मैं पिछले 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पिछले 1 साल का इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के ऊपर। तो अगर आप भी सोच रहे हो एक ट्रू वायरलेस ईयरबड खरीदने के बारे में, और आपका एक जो कंसर्न है कि JBL के ये जो बजट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है वो कैसे हैं, क्या इनकी साउंड क्वालिटी है, कैसा इसका माइक है, बैटरी बैकअप कैसा है, आखिरकार इनका जो इस पैक पे लिखा हुआ है क्या वो सारी चीज़ें सही हैं, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, मेरे पास है इसका वाइट वेरिएंट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट। ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ साथ आपको देखने को मिल जाती है 17 आवर्स का कम्बाइंड प्लेबैक टाइम, जो कि है ईयरबड प्लस चार्जिंग केस दोनों का मिला के। क्विक चार्ज टाइम, जैसे कि 15 मिनट्स की आप चार्जिंग करो और 1 घंटे का एडिशनल प्लेबैक आपको मिल जाता है। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो आपको इन ईयरफोन्स में देखने को मिल जाते हैं। भाई, ये तो थी किताबी बातें जो कंपनी क्लेम करती है। तो बात कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिकल चीज़ों की। आखिर क्या जो कंपनी क्लेम करती है वो सारी चीज़ें सही हैं, या जो मैंने एनालाइज किया वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो गाइस, बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी इस बजट के प्राइस पॉइंट में। तो अगर मैं रेट करूँ आउट ऑफ 10, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, मैं रेट करूँगा 10 out of 7, जो कि काफ़ी अच्छी है जो इस बजट के। बाकी जो ईयरबड्स हैं उनके भी साउंड मैंने सुने हैं, तो जो उनके जो साउंड है वो काफ़ी फीके लगते हैं इसके सामने। इसका जो ट्रू बेस हेडसेट है उसके थ्रू आपको जो एक बेस का फील आता है वो काफ़ी अच्छा। आपको जो बीट्स वाले सॉन्ग्स हैं, जो आपके सॉन्ग्स जिनमें बेस ज़्यादा होता है, वो वाले सॉन्ग्स आपको काफ़ी अच्छे सुनने को मिलेंगे इसके अंदर। गाइस, अगर बात करूँ मैं इसके साउंड क्वालिटी की, तो ये साउंड क्वालिटी इस बजट में जो प्रोवाइड करता है वो काफ़ी अमेजिंग है। गाइस, आखिरकार है तो ये JBL ही, तो इसका जो सिग्नेचर साउंड है वो आपको गारंटी फील करने को मिलेगा इन ईयरबड्स में। मैंने बाकी इस बजट के ईयरबड्स भी सुने हैं, उनके जो साउंड हैं वो JBL के सामने बहुत ही फीके लगते हैं। इसका जो क्रिस्टल क्लियर साउंड है वो काफ़ी अच्छा सुनाई देता है। मेन चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इसमें, जो बेस है वो काफ़ी अच्छा, आपको जो बीट्स वाले सॉन्ग्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा बेस आपको सुनने को मिलेगा। इसमें जो एक्स्ट्रा बेस प्रोवाइड किया गया है JBL की तरफ से इन वाले ईयरबड्स में, वो काफ़ी एक अच्छा फील दिलाते हैं जब आप कोई बीट या ज़्यादा बेस वाला जो सॉन्ग है उसको सुनते हो। आई सपोज़ आप एक एनवायरनमेंट सेट है आपका, जहाँ पे आप अपने मूड में हो, आपका जो गाना है वो काफ़ी अच्छा आपको सुनाई दे रहा है, तभी आप एक मार्केट के अंदर से निकलते हो और जो एक्सटर्नल साउंड्स हैं आप उम्मीद करते हो कि जो नॉइस कैंसिलेशन है इनका वो काफ़ी अच्छा हो, ताकि जो आपके एक्सटर्नल साउंड्स हैं वो आपको बिल्कुल ही सुनाई ना दे। तो जब भी आप ऐसा कुछ सिनेरियो लेके चलते हो, तो वहाँ पे इसकी जो नॉइस कैंसिलेशन है, बाहर का जो एक्सटर्नल साउंड है वो आपको बिल्कुल भी सुनाई देने को नहीं मिलेगा, जब भी आप इन दोनों ईयरबड्स को लगा के म्यूज़िक सुन रहे होंगे। तो गाइस, ये तो थी साउंड की बातें जो JBL अपने ईयरबड्स में जब अपना सिग्नेचर साउंड है वो तो देगा ही देगा। बात कर लेते हैं JBL के दूसरे दावे की, जो कि वो कहता है कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो है 17 आवर्स का कम्बाइंड, जो कि है केस को मिला के प्लस जो इसके अंदर ईयरबड्स हैं उन दोनों। तो इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो केस के अंदर 17 आवर्स का बैकअप है, 12 आपका केस का, 5 आवर्स आपके ईयरबड्स के। तो क्या ये एक्चुअल में है? तो मैंने इसको थ्रू आउट यूज़ करता हूँ, दिन में 3 से 4, 5 घंटे मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इसको मैक्स जो बैटरी बैकअप ईयरबड्स का वन टाइम चार्ज पे आपको मिलता है वो है 4 आवर्स का। यस, टोटल 5 आवर्स तो मैं नहीं कहूँगा कि आप पहुँच जाओगे 5 आवर्स तक, लेकिन हाँ, मैक्सिमम 4 आवर्स तक का मैंने इसको फील किया है, और 1 ईयर हो चुका है अभी तक इसके बैटरी बैकअप में मुझे ऐसा कोई ड्रॉप नहीं देखने को मिला। उसके बाद 2 से 3 बार मैं इस केस के थ्रू इसको चार्ज कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी हैंडी और स्मॉल है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बैटरी बैकअप में भी ये जो ईयरबड्स हैं इस बजट के बाकी ईयरबड्स को काफ़ी अच्छा कंपटीशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरी कंपैरिजन। गाइस, तीसरी जो मेन हाईलाइट है वो है इसकी माइक। तो माइक के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर आपको 2 माइक देखने को मिलते हैं दोनों ईयरबड्स में। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो है मेरी माइक की आवाज़, अभी जो आवाज़ आने वाली है वो है सीधे इन ईयरबड्स के माइक की आवाज़ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, अभी जो आप सुन रहे हो आवाज़ वो है सीधे इन ईयरबड्स के माइक की आवाज़। तो आप नोटिस कर सकते हो जो डिफरेंस है वो मेरे मेन माइक का और जो ईयरबड्स है। तो गाइस, ये जो थी वो थी ईयरबड्स की आवाज़, अब जो आप सुन रहे हो वो है सीधे माइक की आवाज़। तो आपको जो स्लाइटली फील हुआ वो डिफरेंस, वो आप कुछ खुद ही फील कर सकते हो, खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि जो इसकी क्वालिटी है वो कैसी है कैसी नहीं। बट एक जो चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें वो ये कि जैसे आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो कॉल पर,
आपके साइड में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रहा है, जैसे कि टीवी चल रही है या फिर कोई बंदा आपका म्यूजिक सुन रहा है वो भी लाउड स्पीकर पे, तो उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करते हैं, जो इसके माइक हैं आपकी जो आवाज़ जा रही होगी उनसे ज़्यादा उसकी आवाज़, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा जा रही होगी सामने वाले पर्सन के ऊपर। तो एक जो चीज़ मुझे नॉइस कैंसिलेशन की यहाँ पे जो माइक में होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी कम लगी इन कंपैरिजन टू साउंड। तो अगर मैं माइक को रेट करूँ तो माइक की जो कॉल क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ आउट ऑफ 10 मैं 5 ज़रूर रेट करूँगा। तो जो कॉल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे JBL के ईयरबड्स के साथ। बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट। तो जितनी देर मुझे केस को खोल के ईयरबड्स को लगाने में लगती है इतनी देर में आपके फ़ोन के साथ ये जो है वो कनेक्ट हो जाता है, तो जो उसकी कनेक्टिविटी है वो काफ़ी फास्ट है सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ 5.0 की वजह से। तो अगर मैं बात करूँ इसकी जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि इसका जो राइट बर्ड है उसकी जो बटन है उसको जब आप प्रेस करोगे तो जो म्यूज़िक है उसको आप प्ले और पॉज कर सकते हो, एंड इसके अलावा आप कॉल को पिकअप भी कर सकते हो और कट भी कर सकते हो। इसके अलावा जो इसका लेफ्ट ईयरबड है उसके अंदर आप बटन प्रेस करके जो आपके सॉन्ग्स चल रहे हैं उसको स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो जो गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी का जो सपोर्ट है वो भी आप इसके अंदर अवेलेबल है, उनका भी यूज़ करके आप कोई भी वॉइस कमांड दे के अपने फ़ोन के अंदर कोई भी एक्शन कंप्लीट करवा सकते हो। गाइस जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो है ये कि आप एक टाइम पे एक जो ईयरबड है उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी फिक्स है, जो आपका राइट वाला है सिर्फ उसी को आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। यानी अगर आप सोचो कि आप जो लेफ्ट वाला है उसको लगाओ और राइट वाले को रख दो केस के अंदर, तो ऐसा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जो उसका राइट वाला ईयरबड है वो ही काम करता है सिंगल पेयर में, जो लेफ्ट वाला है वो काम नहीं करता, जो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, क्योंकि अभी जो ईयरबड्स आ रहे हैं अब जो चाहो वो ईयरबड लगा के उसमें आप सॉन्ग सुन सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम करें। तो ये जो चीज़ है ये मुझे काफ़ी थोड़ी सी एक जो फीचर है वो मिसिंग लगा, कि जो दोनों हैं वो सेपरेटली अगर ऑपरेट हो सकते तो काफ़ी अच्छा होता। तो ये जो चीज़ है ये इसके अंदर मिसिंग है। तो गाइस इन दी एंड बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी की, और जो इसका जो फिट है वो आपके ईयर में कैसा रहेगा, ताकि आप जो जॉगिंग करो, रनिंग करो, कोई भी एक्टिविटी करो उसके अंदर जो आपके जो ईयरबड्स हैं वो गिर के नीचे ना गिर जाएं। तो ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करूँ मैं केस की, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इस केस के अंदर देखने को मिल जाती है। जो ईयरबड्स हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे ईयरबड्स हैं वो फर्श पर गिर जाते हैं, मार्बल जो पक्का फर्श होता है उस पर भी गिर जाते हैं, लेकिन इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, उनको कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी ऐसी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली कि टूट गया हो या फिर अंदर से कुछ हिल गया हो। तो ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर मैं बात करूँ फिट के टर्म्स में कि आपके जो ईयर्स हैं उनके अंदर कितने अच्छे फिट आते हैं, तो इसका जो साइज़ है ईयरबड्स का वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा, जिसकी वजह से ये थोड़े से हैवी हो जाते हैं आपके ईयर के अंदर, जिसकी वजह से आप जो रनिंग या जॉगिंग वगैरह कुछ भी करते हो तो जो मेरे ईयर्स, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो मेरे ईयर्स हैं उसमें उतने अच्छे से फिट नहीं आते हैं, हल्के 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 धीरे 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 ये ढीले हो जाते हैं और निकल जाते हैं मेरे कान से। तो जो फिट है वो मेरे ईयर्स में तो काफ़ी अच्छा मुझे नहीं मिला, हो सकता है आपके जो ईयर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा फिट इसका आपको मिल जाए। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए पिछले 1 ईयर में JBL C100 के ऊपर। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सा जो फीचर है आपको उन JBL ईयरबड्स का अच्छा लगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। We'll be right back.